मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहाँ 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीती थी, एक सीट बिल्कुल, पर बिल्कुल मध्य प्रदेश वो, लेकिन यहाँ बात यह है कि आपका वोटिंग पर्सन जो है वो थोड़ा कम रहा था, 60% रहा था। और इसके अलावा अगर तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है। 17 लोकसभा सीटें थी, सिर्फ 4 बीजेपी के पाले में गई है, तो यहाँ पर शायद फोकस करना बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो आदिवासी सीटों पर फोकस बीजेपी का हमेशा से रहा है। 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें साल 2019 के चुनाव में अपने नाम कामयाब करने में बीजेपी रही थी।